हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कि सर्च इंजन क्या है। हम हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, इंटरनेट में बहुत सारे चीज़ें सर्च करते हैं। तो सर्च कैसे करते हैं? सर्च इंजन के माध्यम से। तो ये सर्च इंजन है क्या जिसको हम यूज़ करके हम इंटरनेट में जो भी चाहते हैं सर्च कर पाते हैं? ओके, तो देखते हैं ये सर्च इंजन है क्या। ए सर्च इंजन इज ऑल्सो ए प्रोग्राम दैट कैन सर्च फॉर द एंटर्ड कीबोर्ड टेक्स्ट एंड ब्रिंग द मैचेस डॉक्यूमेंट एंड वेब पेज। तो ये सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक प्रोग्राम है, मतलब जैसे कि हमारे प्रोग्राम मतलब क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सॉफ्टवेयर की तरह है। तो ये सर्च इंजन भी एक तरह का सॉफ्टवेयर की तरह है, जैसे कि वेब ब्राउजर था। तो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कीबोर्ड यूज करके जो भी टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं वो उसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है इंटरनेट में, सारे इंफॉर्मेशन को सर्च करके हमें हमारे स्क्रीन में क्या करता है, प्रोवाइड करता है। कौन? सर्च इंजन। तो सर्च इंजन एक प्रोग्राम है। जैसे कि आप देखे होंगे हमारे सबके मोबाइल में गूगल होगा। ओके, गूगल यूज करके हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद वो सारा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है। वैसे गूगल, याहू, बिंग, डकडकगो एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे पॉपुलर सर्च इंजन है जिनको यूज करके हम इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं। ओके, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ए वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच डिफरेंस क्या है? वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको यूज करके हम इंटरनेट में कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करके उसको ओपन करके उसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट को, कोई भी वेब पेज को। पर सर्च इंजन में हम सिर्फ सर्च कर सकते हैं, सर्च करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो अगर सर्च इंजन यूज करके हम कुछ सर्च कर रहे हैं और उसको अगर हम ओपन करके देखना चाहते हैं जो डॉक्यूमेंट हमने सर्च किया, तो उसके लिए हमको वेब ब्राउजर का मदद चाहिए। ओके, तो एक सर्च इंजन को चलाने के लिए उसको वेब ब्राउजर की मदद जरूरी है, पर एक वेब ब्राउजर को सर्च इंजन का कोई जरूरत नहीं होता है क्योंकि वेब ब्राउजर के अंदर सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड होता है। ओके, समझ आ गए। तो सबसे पहला सर्च इंजन जो है वो जो निकला था उसका नाम है यंडेक्स, और सबसे पॉपुलर सर्च इंजन जो कि अभी है वो है गूगल। गूगल में हर कोई गूगल यूज करता है सर्च करने के लिए। ओके, गूगल इज ए लार्जेस्ट सर्चिंग प्लेटफॉर्म। गूगल एक सबसे बड़ा सर्चिंग प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे जो सर्च करोगे वही चीज आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसमें हम सर्च कैसे करते हैं? इट इज यूज्ड टू एक्सेस और सर्च एंटर्ड कीबोर्ड टेक्स्ट। कीबोर्ड में हम टेक्स्ट कुछ टाइप मारते हैं, एंटर करते हैं और उसको सर्च करते हैं, फिर वो हमें सर्च करके प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो सर्चिंग प्रोसेस हमें कितना सिंपल लगता है कि हम जो टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं वो हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो सर्चिंग प्रोसेस है ये मेनली तीन अलग अलग पार्ट में या फिर तीन अलग अलग स्टेप्स में डिवाइडेड है। टोटल जितना भी उसके अंदर वर्क होता है, हम टेक्स्ट मतलब हम कीबोर्ड में टेक्स्ट इनपुट से लेके जब तक वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करके प्रोवाइड कर देता है, वो टोटल प्रोसेस को तीन दो अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेप है वेब क्रॉलिंग, दूसरा वाला स्टेप है इंडेक्सिंग और थर्ड वाला स्टेप है सर्चिंग। तो देखते हैं कौन से स्टेप में क्या काम होता है। जिससे कि पहले हम सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि सपोज आप कुछ सर्च कर रहे हो। ओके, कुछ एग्जांपल पहले ले लेते हैं। जैसे कि आप कुछ सर्च कर रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल तरीके से समझने के लिए कुछ लिया है स्क्रीनशॉट्स। जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल में देखे होंगे, ये है हमारा वेब ब्राउजर, ये है सर्च इंजन, यहाँ पे जो गूगल लिखा है ये है हमारा सर्च इंजन। तो इस सर्च इंजन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेगा आपको सर्च, आप जो सर्च करना चाहते हो लिखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखा मैक एड्रेस, मुझे मैक एड्रेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में है सारा मुझे सर्च करके दो। ओके, तो उसने क्या किया, मैक एड्रेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था मुझे सर्च करके ऐसे प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड किया है। तो इनमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन उसको पहले दिखाना है, कौन सा इन्फॉर्मेशन उसको बाद में दिखाना है, उसको कैसे पता चलता है? उसको पता चलता है कैसे, उसको पता चलता है कि कौन सा वेबसाइट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, कौन सा वेबसाइट में व्यूज ज्यादा है, कौन सा वेबसाइट लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उस हिसाब से वो प्रायोरिटी के हिसाब से क्या करता है, सारे वेबसाइट्स को एक करके एक नीचे 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 दिखाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि तीन ठो दिखाया है सपोज, तो ये इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, लोग इसको ज्यादा देखते हैं, फिर इसका प्रायोरिटी उससे थोड़ा कम है, इसके कंपैरिजन में लोग इसको थोड़ा कम देखते हैं या फिर इसका यूज कम करते हैं, फिर इनके कंपैरिजन में इसका प्रायोरिटी थोड़ा कम है, इसको इसके लिए इसको नीचे दिखाया।
तो प्रायोरिटी के हिसाब से या फिर लोग जिस हिसाब से यूज करते हैं, जिस वेबसाइट को सबसे ज्यादा, उसी वेबसाइट को सबसे पहले दिखाता है कौन? सर्च इंजन। ओके, उसके बाद जितना भी जो इंफॉर्मेशन उसने हमें प्रोवाइड किया, उनमें से हम कोई भी वेबसाइट में क्लिक करके, जैसे कि मुझे यहाँ से देखना है तो मैंने इस वेबसाइट में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैं सर्च कर रहा था, वही इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तीन ठो काम हुआ कि मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे मैक एड्रेस लिख के सर्च कर दिया, यहाँ पे मैक एड्रेस लिख के मैंने क्या किया, सर्च कर दिया। तो पहला स्टेप होता है जो वेब क्रॉलिंग। वेब क्रॉलिंग, ये वेब क्रॉलिंग का काम क्या है कि मैंने यहाँ पे जो भी कीबोर्ड से टेक्स्ट इनपुट करके सर्च किया, उसी टॉपिक के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, वेब क्रॉलर नाम का या फिर स्पाइडर नाम का एक प्रोग्राम है उसके अंदर, जो क्या करता है कि इंटरनेट में, इंटरनेट के डाटाबेसिस में या फिर वेबसाइट्स में, जितने भी वेबसाइट्स में मैक एड्रेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उन सबको वो सर्च करके ले आता है। ये होता है फर्स्ट स्टेप। सारा इंफॉर्मेशन को ले आने के बाद फिर उनको किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, किसको फिर नीचे रखना है, वैसे प्रॉपर इंडेक्स में रखने के लिए, उसके बाद जो स्टेप यूज होता है उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग वाले स्टेप में हम क्या करते हैं कि प्रॉपर वे में अरेंज करके रखते हैं कि किस वेबसाइट को पहले दिखाना है, किस वेबसाइट को बाद में दिखाना है। ओके, तो वो कैसे होता है? रैंक या फिर व्यू या फिर यूज देख के। जिस वेबसाइट का यूज ज्यादा होता होगा या फिर जिस वेबसाइट का व्यूज ज्यादा होगा या फिर जिस वेबसाइट को लोग ज्यादा यूज कर रहे होंगे, उसी हिसाब से रैंकिंग करता है। मतलब जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है उसको पहले दिखाएगा, जो उससे थोड़ा कम यूज होने वाला है उसको बाद में दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये दूसरा प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं हम इंडेक्सिंग, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है और उसको पहले दिखाता है, जिसका सबसे कम यूज होता है उसको सबसे आखिर में दिखाता है। ओके, तो इसका यह है दूसरा स्टेप, इंडेक्सिंग करके हमें दिखा दिया। फिर इनमें से हम क्या करेंगे, अभी कोई भी डाटा, जो डाटा हम सर्च कर रहे थे मैक एड्रेस के रिलेटेड, इनमें से हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करके उसके अंदर से हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रिलेट इंफॉर्मेशन को हम सर्च करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, व्हाट इज मैक एड्रेस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो उसके अंदर ये आ गया। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा जो भी इन्फॉर्मेशन मैं फाइंड कर रहा था, और यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मेरा इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, मिल गया। यह है थर्ड स्टेप, सर्चिंग। तो पहला स्टेप है वेब क्रॉलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, हम जो मैक एड्रेस लिखते हैं वो क्या करता है, वेब क्रॉलर या फिर स्पाइडर जो कि एक प्रोग्राम है, वो उसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट की वेबसाइट्स में अवेलेबल है, सारे इंफॉर्मेशन को गैदरिंग कर देता है, मतलब ले आता है, इकट्ठा कर देता है। फिर दूसरा स्टेप जो आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या करता है, फिर किसको आगे दिखाना है, किसको बाद में दिखाना है, उसको इंडेक्स करता है उसके यूज के हिसाब से। जो सबसे ज्यादा यूज है उसको पहले पहले दिखाएगा, जो बहुत कम यूज है उनको बाद में दिखाएगा। ओके, इंडेक्सिंग करके दिखाने के बाद फिर थर्ड स्टेप हमारा आता है सर्चिंग। सर्चिंग में क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं हम कौन से वेबसाइट से देखना चाहते हैं, जो भी वेबसाइट से देखना चाहते हैं उसी वेबसाइट को ओपन करके उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं और वो इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। ये सर्चिंग का तीन तो स्टेप्स हैं। ओके, तो देखते हैं तीन तो स्टेप क्या क्या था, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग। तो पहले देखते हैं वेब क्रॉलिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन डिफरेंट डाटाबेसेस और वेबसाइट्स बाय ए वेब क्रॉलर और स्पाइडर इज कॉल्ड एज वेब क्रॉलिंग। तो वेब क्रॉलिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं। कौन से इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन को हम सर्च बॉक्स में लिखे हैं, जैसे कि मैंने वहां पे लिखा था मैक एड्रेस, मतलब मैक एड्रेस के रिलेटेड मुझे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट्स में या फिर डाटाबेसिस में, इंटरनेट में, वो सारा इंफॉर्मेशन एक वेब क्रॉलर नाम का एक प्रोग्राम होता है या फिर स्पाइडर नाम का एक प्रोग्राम होता है, जो क्या करता है, सारे इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करता है, सारे इंफॉर्मेशन को इंटरनेट की वेबसाइट से या फिर डाटाबेसिस से रिट्राइव करके लाता है, मतलब निकाल के ले आता है एक जगह पे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेब क्रॉलिंग। सारा इंफॉर्मेशन अब निकल के आ गया एक जगह पे वेब क्रॉलिंग प्रोसेस में। फिर सारा इंफॉर्मेशन आने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप है इंडेक्सिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग इंफॉर्मेशन रिट्राइव्ड बाय द वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर या फिर स्पाइडर ने जो सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके, वेब क्रॉलर या फिर स्पाइडर क्या है, एक प्रोग्राम है जो कि सारे इंफॉर्मेशन को, तो मतलब मैक एड्रेस के रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन था, सारे इंफॉर्मेशन को जो गैदर करके लाया है उसको अरेंज करके रखने के लिए हम जो स्टेप यूज करते हैं, फिर जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। तो ये जो इंडेक्सिंग होता कैसे है, द इंफॉर्मेशन अरेंज्ड इन इंडेक्स डाटाबेस अकॉर्डिंग टू देयर रैंक और यूज और व्यू। लोग कौन से वेबसाइट को सबसे ज्यादा व्यू किए हैं, लोग कौन से वेबसाइट को ज्यादा रैंक दिए हैं, कि कौन से वेबसाइट सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, लोग उनको उस वेबसाइट को ज्यादा यूज किए हैं, तो उस हिसाब से इंडेक्सिंग होता है।
जिस वेबसाइट का प्रायोरिटी ज्यादा है, जिस वेबसाइट को लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, वो पहले दिखाएगा, उसका इंडेक्स ज्यादा है, और जो वेबसाइट लोग कम यूज करते हैं उसका प्रायोरिटी कम है, तो उसको आखिर में दिखाएगा, उसका इंडेक्स कम होता है। तो ये हो गया सेकंड स्टेप इंडेक्सिंग। वेब क्रॉलर ने इंफॉर्मेशन सर्च करके एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, फिर इंडेक्सिंग प्रोसेस में हमने उसको उसके इंडेक्स उसके यूज के हिसाब से उसको अरेंज कर दिया इंडेक्स में, को किसको पहले दिखाना है किसको बाद में दिखाना है। ओके, फिर थर्ड स्टेप आते हैं इंडेक्सिंग करने के बाद सर्चिंग। इंडेक्स हो गया, किसको पहले दिखाना है किसको बाद में दिखाना है, उसके बाद यूजर उनमें से किसी भी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है जो इंफॉर्मेशन उसे चाहिए। तो थर्ड स्टेप है सर्चिंग। सर्चिंग एक प्रोसेस है टू सर्च रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडेक्स। जो इंडेक्स बन गया उस इंडेक्स में से हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करके उसमें हम जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्चिंग। ये हो गया सर्चिंग का टोटल काम कंप्लीट। ओके, तो तीन तो स्टेप में काम किया। पहला स्टेप है वेब क्रॉलिंग, जिसमें वो सारे उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करता है, सबसे कलेक्ट करके लाता है। दूसरा स्टेप है इंडेक्सिंग, उसको फिर इंडेक्सिंग करता है, मतलब किसको पहले दिखाना है किसको बाद में दिखाना है वैसे अरेंज करता है। अरेंज करने के बाद उस इंडेक्स से फिर हम एक एक करके जिसमें से चाहते हैं उसमें से हम अपने इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं उसको बोलते हैं हम सर्चिंग। ये तीन स्टेप हो गए, जिसको मैंने और आसानी से समझने के लिए 6 स्टेप में तोड़ा है। सिंपल में आपको समझने के लिए, आप अपने मोबाइल में जो सर्चिंग प्रोसेस करते हो वैसे ही होता है, जैसे कि मैंने दिखाया, ये है हमारा सर्चिंग सर्च प्रोग्राम, गूगल सर्च प्रोग्राम है ये। इसको ओपन करके यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जब हम मैक एड्रेस लिखते हैं तो वेब क्रॉलर क्या करता है, मैक एड्रेस के रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है उनको सर्च करके गैदर करके ले आता है। फिर दूसरा स्टेप होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का काम है कि जितना भी इंफॉर्मेशन वेब क्रॉलर ने गैदरिंग किया है उनको वन बाय वन इंडेक्सिंग करके दिखाएगा। फिर इंडेक्सिंग करके दिखाने के बाद उनमें से हम जहां से भी सर्च करना चाहते हैं हमारे इंफॉर्मेशन को, वहीं पे क्लिक करके हम हमारे इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा, जिसके वजह से हमारा सर्चिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप समझ आ गया सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन हम क्यों यूज करते हैं, और सर्च इंजन का डिफरेंट स्टेप्स क्या है, कैसे काम होता है सर्च इंजन में। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।